दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ टू गेट जॉब इन AWS। डेवलपर हो, आर्किटेक्ट हो या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो, जो इनकी सर्विसेज होती हैं, अब कैसे पा सकते हो एग्जैक्टली, मैं वो उस पर बात करूंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ओवरव्यू और एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए AWS जॉब पाने से पहले। तो बेसिकली मैं बता दूं दोस्तों, AWS जो कि अमेजोन का एक अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जैसे कि गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का है, तो अलीबाबा का क्लाउड है, तो वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अभी AWS की, अमेजन वेब सर्विस का। तो बेसिकली इसमें क्या है, देखो सर्वर्स जो हैं, आपको पता होगा अगर थोड़ा बहुत भी IT में आपका इंटरेस्ट है, अगर आपने पढ़ा होगा, तो जो सर्वर्स हैं बेसिकली वो लिनक्स पे काफ़ी अच्छे काम करते हैं, क्योंकि वो तो क्लाउड पे है, क्लाउड को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ, उसको क्लाउड से डेटा ऑपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए, सिस्टम तो एक ना एक चाहिए, चाहे वो विंडोज़ का हो या लिनक्स का हो। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट अजूर के साथ जाते हो तो वो विंडोज़ सर्वर अपना खुद का यूज़ करते हैं, और अगर आप AWS पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको लिनक्स सर्वर मिलते हैं, आपको मतलब लिनक्स आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कमांड के बेस होता है काम ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर आप लिनक्स मैंडेटरी या नहीं, आपको लिनक्स सीखना ही पड़ेगा, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको लिनक्स का होना चाहिए। और मैं मूव करता हूँ अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ, जहाँ पर नेटवर्किंग। अभी देखो क्लाउड में क्या है, आप नेटवर्क को भी स्टोर करते हो, अपने डेटाबेस को स्टोर करते हो, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने एप्लीकेशन को, यूजर्स फाइल्स को आप उसमें स्टोर करते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं नेटवर्क का यूज होता है, क्योंकि जब भी हम कोई फाइल एक सिस्टम से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब भी कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पे अल्टीमेटली नेटवर्क का यूज होता है, विदाउट नेटवर्क इट कांट बी पॉसिबल। तो आप विदाउट नेटवर्क के फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, तो उसमें नेटवर्किंग का भी यूज होता है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कोडिंग की, तो कोडिंग की रिक्वायरमेंट इसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब होती नहीं है, सिर्फ 1-2% रिक्वायरमेंट्स कोडिंग की होती है, लेकिन ये आपके लिए एक एडवांटेज एड ऑन करता है। अगर आपको कोडिंग हल्की फुल्की भी आती है, आपने थोड़ा बहुत कुछ जावा सीख रखा है, आपने PHP सीख रखा है या C बेसिक, तो इसमें ना थोड़ा सा आपका एक एडवांटेज हो जाता है, आपके लिए एक ऐड ऑन करता है सर्टिफिकेट, और आपको आगे ले जाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे ये मेन 3 टेक्नोलॉजी हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी AWS में जॉब पाने के लिए। AWS तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें बहुत सारे FAQs पढ़ो, या मतलब उनके सर्वर्स पढ़ो, सर्विसेज पढ़ो, जो EC2 वगैरह होती हैं, लोड बैलेंसिंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको AWS में तो पढ़ना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको नेटवर्किंग भी आना चाहिए, लिनक्स भी आना चाहिए, और कोडिंग का थोड़ा बहुत होना चाहिए आपको नॉलेज, अगर नहीं भी है तब भी चलेगा, बट जो मेन पार्ट है वो नेटवर्किंग और लिनक्स, आपको बेसिक फंडामेंटल तो एटलीस्ट पता होने चाहिए, बाकी आप ऑर्गेनाइजेशन में अंदर जाके वहाँ से सीख सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो होपफुली आप समझ गए होगे कि एज इनिशियल और बेसिक लेवल भी, ये सब मैंने आपको बताया, तो आप फर्स्ट डे या फर्स्ट टाइम ही AWS लेके बैठते हो तो क्या क्या आपको, किन चीज़ों में आपको पकड़ बनानी है और किन चीज़ों को आपको सीखना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।